आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम फॉर्मेट की रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली एग्जाम में जब रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन ऐसे जरूर होता है जिनमें हम ये फॉर्मेट की रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल के दे देती है। पहले हम थ्योरम समझते हैं कि थ्योरम क्या है। देखो यहां पर मान के चलो एक कोई नंबर है, इस नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से, ये जो नंबर रहेगा ये प्राइम नंबर रहेगा, एक किसी नंबर को अगर हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और इस नंबर पर जो पावर है वो p-1 है, मतलब इस प्राइम नंबर से जस्ट 1 कम की पावर इस नंबर पर लगी हुई है, तो ऑलवेज जो रिमाइंडर होता है ये 1 आता है। अगर हम किसी भी नंबर को एक प्राइम नंबर से डिवाइड करें और उस नंबर की पावर p-1 हो, मतलब उस प्राइम नंबर से जस्ट एक कम हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर होता है हमेशा 1 होता है। ये फॉर्मेट की रिमाइंडर थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस पे, वो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कि फुल वैल्यू सेट करके दे देगा, कई बार आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 401/19। देखो जो 19 है ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या है हमारा प्राइम नंबर है ये, और यहां पर जो पावर है जस्ट इससे एक कम है, तो ये देखो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई नंबर है उसको हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उस नंबर पर इस प्राइम नंबर से जस्ट एक कम की पावर लगी हुई है, तो इस कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट का तो आंसर निकल गया हमारा। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में भी जस्ट वही कंडीशन है कि एक नंबर है इसको हम एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उसकी पावर जस्ट 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देख के आप डायरेक्ट आंसर मत लगाना किसके रिमाइंडर बनाएगा, हमें ये नंबर भी देखना है कि ये जो एन है ऐसा ना हो कि ये पी से खुद ही डिवाइड हो जाए। भाई यहां पर जो 65 है ये तो पी से खुद ही डिवाइड होता है, तो अगर हम 65 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 35 जा 13/65 होता है, ये तो भाई पहले ही डिवाइड हो जाएगा। अब कितने भी की पावर लगाए, देखो यहां पर 65 की पावर 12 है अपॉन 13, अब जब 65 को 30 से डिवाइड करेंगे ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा, और 0 की पावर हम कितनी भी कर लें ये तो 0 ही आना है, तो इसका रिमाइंडर हमारा 0 है। यहां पर आप गलती मत कर देना फॉर्मेट थ्योरम लगाने की, नहीं तो आप सर जो जोश में, यहाँ पर देख लो भाई ये तो 35 नंबर है जस्ट 1 कम की पावर है, तो ये भाई यहाँ पर रिमाइंडर वन होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। ये जो नंबर है ये पी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 120/50, 120 की पावर 50/11, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसमें देखते हैं यहां पर फॉर्मेट थ्योरम के लगा सकते क्या नहीं लगा सकते। देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये 50 है, क्या हम इसको भाई इसके जस्ट एक कम के फॉर्म में, देखो यहां पर देखें तो ये देखो 11 ऐसे लिखेंगे हम इसको, जो 120 है और ये जो 50 है, 50 को ऐसे लिख सकते 5 × 10, आप बोलेंगे हाँ सर। अब देखो पावर जैसे अगर ए के ऊपर एम की पावर हो और पूरे के ऊपर एन की पावर हो तो ये होता है a^m × n, मतलब अगर पावर की मल्टीप्लाई हो तो पावर के ऊपर पावर कहलाती है, तो ये मल्टीप्लाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसकी पावर 10, तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब ये कोई भी एक नंबर होगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि भाई ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भाई अब देखो जस्ट वही बन गई हमारी थ्योरम, एक प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और जस्ट एक कम की पावर है यहां पर, तो इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा आंसर यहां पर 1 हो जाएगा। ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फॉर्मेट थ्योरम बहुत मजेदार थ्योरम होती है, बहुत जल्दी आंसर निकाल कर दे देती है हमें, लेकिन बस पता होना चाहिए कि थ्योरम क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है। देखो जैसे मान के चलो यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा 13 और यहां पर लिखा है जैसे यहां पर लिखा 43, ये लिखा है। अब अगर देखो या तो पावर 12 हो तब यहां पर रिमाइंडर बनाएगा, या तो पावर 12 हो तब रिमाइंडर बनाएगा। अब 12 का कोई मल्टीपल हो, जैसे यहां 144 लिख दिया तब भी ये 12 × 12 ही है, ये तो क्या है 12 × 12 है, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पावर को मल्टीप्लाई है इसको ऊपर लिख सकते हैं। तो अगर
देखो यहां पर या तो पावर एक कम रहे या पावर एक p माइनस वन का ही कोई फैक्टर रहे, जैसे यहां पर 144 था, तो भाई ये 12 ना होके 12 का कोई मल्टीपल है तो मल्टीपल का भी यहां पर रिमाइंडर वन ही आएगा। तो यहां पर देखते हैं हम ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन, ये लिखा है 7 की पावर 2001/5। देखो पावर एक कम होनी चाहिए, मतलब पावर कितनी होनी चाहिए थी, 4। अगर पावर 4 होती तो रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। अब यहां पर 4 तो है नहीं, लेकिन 4 का मल्टीपल बना सकते हैं हम क्या भाई, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, देखो इसको हम ऐसे लिख दें 7 की पावर 2000 × 7/5, तो कोई गलत होगा क्या? कुछ गलत नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो ये 2001 हो जाएगा। अब जो ये 2000 है ये 5 से कम करेंगे 4, तो 4 का ही मल्टीपल है। अब बोलेंगे हाँ सर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, 7 की पावर, यहां पर इसको लिख दे रहे हम कितना, 500 की पावर 4, ये क्योंकि 500 की पावर 4 पावर का मल्टीप्लाई होगा, 500 × 2000 हो जाएगा अपन में 5 × ये 7 बचा हुआ, ये 7 एज इट इज, ये बचा यहां पर। तो यहां पर देखो ये कोई भी नंबर रहेगा, यहां पर इसको सॉल्व करें कोई नंबर आएगा, लेकिन उस नंबर की पावर कितना है, इससे एक कम है, तो यहां पर रिमाइंडर थ्योरम ये अप्लाई हो गई। और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1, इसका रिमाइंडर बनाएगा पूरे का रिमाइंडर नहीं, बन इसका रिमाइंडर बना गया। अब अगर हम इसको देखो यहां पर देखे 7, अगर 5 को हम 7 में डिवाइड करें, अगर हम 5 को 7 में डिवाइड करें तो 7 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, ये 2 रिमाइंडर आएगा। और जब यहां इन दोनों मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2, तो 2 × 2, तो यहां पर कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर जो है वो क्या है, 2 है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर भाई 23 है, ऊपर 19 है और इसकी पावर है 208। पहले देखो ये क्या 208 23 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, क्योंकि भाई 23 नंबर होता है हमारा 207, ये होता है 207, लेकिन ये 208 है, तो हम पहले इसको 207 तक लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं 19 की पावर 207 × 19, लिख सकते हैं कि पावर इसकी बन रहेगी, ऐड होकर 208 हो जाएगा अपॉन 23, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो मल्टीपल है, मैंने क्या बोला, मल्टीपल रहेगा तब भी रिमाइंडर बनाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 × अब जब 19 को 23 से डिवाइड करेंगे, जब 19 को 23 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, तो भाई अगर 19 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 0 टाइम जाएगा, मतलब 19 का 19 ही रिमाइंडर है, तो यहां पर 19 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 19 × 19, तो जो टोटल रिमाइंडर आएगा वो 19 आएगा। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेट की थ्योरम अप्लाई करनी है। ऐसी रिमाइंडर की और थ्योरम होती है, लेकिन जो फॉर्मेट थ्योरम होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है, इसको अप्लाई करना जरूरी है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए, इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कभी हो सकता है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम दिख जाए, और कभी होगा उसके मल्टीपल में आ जाए, या मल्टीपल के थोड़े आगे एक दो बार और सॉल्व करना पड़े, इस प्रकार आ सकती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, अगर ये चीज समझ आई है आप वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।